और वहीं मुंबई के 3 बड़े कोविड सेंटर अगले 10 दिन तक बंद रखे जाएंगे क्योंकि ताऊते तूफान ने नुकसान पहुंचाया है और इन कोविड सेंटर्स को ठीक किया जाएगा, मरम्मत इनकी की जाएगी और उसके बाद इन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा। मुंबई के बीकेसी, दहिसर और मुलुंड कोविड सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग 500 से अधिक मरीजों को शिफ्ट किया गया था और अब 10 दिन तक ये मुंबई के 3 बड़े कोविड सेंटर्स बंद रहेंगे। इनकी मरम्मत की जाएगी, उसके बाद रीशिफ्ट किया जाएगा उन 500 मरीजों को जिन्हें यहां से शिफ्ट कर दिया गया था ताऊते तूफान की आशंका के बीच में। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुख करेंगे मुंबई से। मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ताऊते तूफान ने किस तरह का असर दिखाया, प्रभाव छोड़ा, उसकी तस्वीर हमने देखी और उसी बीच में 3 जंबो कोविड केयर सेंटर्स का भी 10 दिन के लिए बंद हो जाना, क्या ये एक और एड ऑन चैलेंज अभी प्रशासन और सरकार के लिए नहीं है? बिल्कुल पूर्णिमा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि देखिए लगातार कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में तो कहीं कमी नहीं हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट आ ही रही है, मरीज़ जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हो ही रहे हैं, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से जो बड़े कोविड सेंटर्स हैं खासकर दहिसर, मुलुंड और बीकेसी, इन तीनों में ही अगले 10 दिनों तक पेशेंट का एडमिशन नहीं होगा। और साथ ही जो पेशेंट पहले से यहाँ पर मौजूद थे, लगभग 550 से ज़्यादा पेशेंट को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। साथ ही बीएमसी से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी साइक्लोन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी रिपेयरिंग चल ही रही है, इसी के साथ साथ मॉनसून की भी तैयारी की जा रही है। यानी कि 10 दिनों के लिए जो ये कोविड सेंटर्स बंद रखे गए हैं तो साथ ही मॉनसून के लिए जो दुरुस्ती चाहिए वो भी हम पूरा करेंगे और इसीलिए 10 दिनों का समय लिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई भी मुंबई कर ये कोशिश करता है वॉर रूम की सहायता से इन कोविड सेंटर्स में एडमिशन लेने की तो फिलहाल अगले 10 दिनों तक उन्हें नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ ये एक बड़ा चैलेंज है बीएमसी के लिए, साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अस्पताल लगभग फुल है, हर जगह पर हम देख रहे हैं कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में ये एक्स्ट्रा एड ऑन जंबो कोविड सेंटर्स की वजह से ही कहीं ना कहीं मरीजों को सही समय पर उपचार मिल रहा था, लेकिन अब जब यही बंद पड़े हैं, यही पर दुरुस्ती का काम चल रहा है, ऐसे में मरीज जाएँ तो जाए कहाँ, स्ट्रगल करें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है बेड मिलने में अब मुंबई में। और इसके अलावा अगर शिवांगी बढ़ते हुए केसेस के बीच में जो एक ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेके अगर मुंबई से आज की कोई अपडेट आप दे पाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन तेजी के साथ होना है लेकिन वो भी एक अलग चुनौती है और दूसरी तरफ म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते केसेस भी महाराष्ट्र में इस वक्त चिंता की एक वजह बने हुए हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और म्यूकोरमाइकोसिस का जो केस है उसको लेकर काफ़ी हम देख रहे हैं यहाँ पर सरकार जो है वो सजग है, लगातार टास्क फोर्स की जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं या टीमें हैं वो संपर्क में हैं उन डॉक्टर्स के साथ जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से भी अब तस्वीरें देखने को मिल रही है। अर्बन एरियाज़ में पहले ये केसेस जो हैं वो सामने आ रहे थे लेकिन अब रूरल एरिया में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग कह रहा है लोगों से कि अगर आपको जरा भी ऐसी आशंका होती है और कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत समय पर इलाज कराइए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन अभी भी धीमी गति से ही चल रहा है क्योंकि अभी भी शॉर्टेज जो है वो पूरा नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अभी भी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं शुरू किया गया है, 45 के ऊपर जो लोग हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब तक वैक्सीनेशन दुरुस्ती से नहीं चलता वापस एक बार फिर ठीक, यानी कि ये तो अभी चुनौतियां हैं और साथ ही जिस खबर को लेकर शिवांगी हम बात कर रहे थे, अगले 10 दिन तक ये जो जंबो कोविड केयर सेंटर्स हैं, 3 कोविड सेंटर्स हैं, फिलहाल ये बंद रहेंगे क्योंकि इनकी मरम्मत होनी है, नुकसान पहुंचा था ताऊते तूफान की वजह से। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी देने के लिए, आगे भी अपडेट आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।